क्या होता है जब दीवार में कील मारते हैं तो 100वीं कील में छेद होता है, तो 99 कील वो बेकार नहीं होती, ये 99 कीलें चल रही हैं, 100वीं कील लगेगी रास्ता खुल जाएगा, किसी की औकात नहीं है। लोगों ने इस एपिसोड को रामायण और महाभारत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। सत्यपाल मलिक महाभारत का कृष्ण, नरेंद्र मोदी महाभारत का दुर्योधन, बृजभूषण महाभारत का दुशासन, मोहन भागवत महाभारत का शकुनी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए, इससे देश की इमेज खराब होती है, इससे देश में मैसेज जाता है कि इसे घिनौना क्या काम हो सकता है, जब देश की लड़कियों को, वो भी इस तरह की लड़कियों को जो पदक विजेता हैं, पूरा देश जिनको जानता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम देश की लड़कियों के साथ क्या होता होगा। कहीं देश की बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उसकी लाश को रात को बिना परिवार की सहमति से फूंक दिया जाता है, कहीं पर होता है तो FIR दर्ज नहीं होती, कहीं पे डरा के धमका के पैसे के प्रेशर से माँ बाप को चुप करा दिया जाता है, और बहुत जगह तो माँ बाप बेचारे शर्म के मारे अपनी मान मर्यादा और इज्जत के चक्कर में चुप रहते हैं। इस देश में बहुत सारे अपराध सामने नहीं आ पा रहे हैं, ये बहुत भयावह स्थिति है और ये देश 21वीं सदी में है, और मेरा भारत महान कहने पर अपने को शर्म आती है, ये मेरा भारत महान कहने वाले ही बहुत दरिंदगी वाला व्यवहार दिखा रहे हैं देश के सामने, ये बहुत गलत बात है। मगर बलराज सिंह जी, कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी तब नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके की बातें हम आए दिन देख रहे हैं। बिल्कुल, अरे भाई आपको किसी ने किडनैप कर लिया, उसके सामने आप बोल सकते हैं जो आपको गोली मार सकते हैं जी। आप उस वक्त बोलेंगे जब आप अनुकूल परिस्थिति में होंगे, तब आप बोलेंगे, और मैं तो कहता हूँ पापी और दुष्ट के खिलाफ जब भी बोला जाए तभी अच्छा है, ये महान है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ इन लड़कियों को। और आज असल बात क्या है, वो अपराधी जो भेड़िए के भेसों में कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई बड़े पदों पे हैं, वो लोग इस तरह का व्यवहार करें अपने दफ्तरों में जिस देश की बेटियों के साथ, इसलिए उन सबको डर लग रहा है। अगर इसमें कार्रवाई हुई तो बाकी बहुत सारे लोग नंगे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जेल में जा सकते हैं, इसलिए सारे चोर चोर मोसेरे भाई, सारे चोर इकट्ठे हैं, इसलिए देश सारा एक तरफ है, चोर एक तरफ है। सर, क्योंकि आप खुद भी एक अधिवक्ता हैं तो आप कानूनी दाव पे ज्यादा बेहतर समझते हैं, पॉस्को जब लगती है तो फिर 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, मगर बृजभूषण शरण सिंह पे पॉस्को लगी है, 19 दिन गुजर चुके हैं, कोई गिरफ्तारी का नाम नहीं है। बिल्कुल, ये क्या है, इसी तरह से SC ST एक्ट को भी एक बार ढीला करने की कोशिश की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था, देश के लोग खड़े हुए, वो एक्ट वैसे मजबूत हो गया। जब देश के लोगों के हितों की बात है, उसको कम करने की कोशिश करने की बात है ये, और ये इतना बड़ा मुद्दा कहाँ था, जितना मुद्दा बना दिया, ये देश के लिए शर्म की बात है, युवाओं के लिए शर्म की बात है। ये युवा जो सोचते हैं ना, जो न्याय के बारे में सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, उनको देख के इस देश से नफरत होती है। देश के युवा बाहर जाके नौकरियां करना चाहते हैं, बाहर हर वो काम करना चाहते हैं जो यहाँ करते भी नहीं, वो कर नहीं सकते, यहाँ तब सारा होच पोच है, ये मेरा देश महान क्या, मेरा देश गड़बड़ घोटाले में की गिरपत में है। मेरा देश महान हो सकता है अगर चोर उचक्कियों की बारात को इकट्ठे करके इनका इनको ठिकाने पे इनका इलाज किया जाए। इसके संविधान और कानून की भी बेहद तारीफ की जाती है, मगर ऐसे में जब हम देखते हैं कि कानून की इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं माना जा रहा कानून को, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कानून लागू करने की ड्यूटी जिनकी है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कैसे होगा, जब रक्षक भक्षक हो जाए, जब गाँव में भी कोई शेर आदमखोर हो जाए तो पूरा गाँव उसका इलाज करता है। आपने बहुत हम देश में सुनते हैं, शेर जब गांव में आना शुरू कर देता है, वहां के मवेशियों को लोगों को खाना शुरू करता है, जब जनता इकट्ठी होती है और उस शेर का इलाज करते हैं, इसी तरह इस देश को इलाज करना पड़ेगा इस मानसिकता का, जो मानसिकता अन्यायकारियों को बचाने में लगती है, अन्याय करती है और अन्याय करके छुपना चाहते हैं। कमाल देखिए, एक देश अमेरिका जहाँ हमारे से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, हमारे से ज़्यादा ताकतवर राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति अपने ऑफिस में इलीगल तरीके से किसी लड़की से बात कर रहा था, वो उस पर किसी ने सुन लिया उसको बात करते हुए और उसके खिलाफ एक्शन हुआ और उसको इम्पीचमेंट से हटाने वाला था अमेरिका, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, वो उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एविडेंस मिटा दूं या मैं किसी को मरवा के ठिकाने लगा दूं। अरे हमारे देश में नंगा नाच हो रहा है, यहाँ एविडेंस मिटाने की कोशिश होती है, यहाँ लोगों को गवाहों को मारने की बात होती है और चुपचाप मारा जाता है, उनको डराया जाता है। ये देश की स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ पे सच बोलने की हिम्मत भी नहीं बची इस देश में, इस देश को इतना कमज़ोर कर दिया गया। देश बॉर्डर से कमज़ोर नहीं, हमारे सैनिक मजबूत हैं, देश को गंदे नेताओं ने कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया, इनका इलाज बहुत करना जरूरी है और देश तैयार है, इनका इलाज करेगा। सर, खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर से लोग आ रहे हैं, मगर अब बृजभूषण के समर्थन में भी लोग जनसभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही जंतर मंतर पर कूच करेंगे। मैं तो आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ, कोर्ट में भी समाज में भी एक बहुत भयंकर बात चल गई जो मेरे लिए भी शर्म की बात है। लोगों ने इस एपिसोड को रामायण और महाभारत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है और पात्रों के नाम लेने शुरू कर दिया। आपको तो मैं आपको बता दूं क्या फैल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी और समाज में भी। मुझे बहुत बुरा लगा
और ये चीजें नहीं होनी चाहिए इस देश में जो हो रहा है और समाज में क्या फैल रहा है। सुनिए, समाज में महाभारत की दृष्टि से किसको क्या नाम दिया गया है, ये समाज में चल रहा है बहुत। सत्यपाल मलिक महाभारत का कृष्ण, नरेंद्र मोदी महाभारत का दुर्योधन, ब्रिजभूषण महाभारत का दुशासन, मोहन भागवत महाभारत का शकुनी, द्रौपदी मुर्मू हमारे महामहिम राष्ट्रपति को लोग भीष्म पिता में कह रहे हैं, महिला खिलाड़िया को द्रौपदियाँ बोल रहे हैं वकील भी और समाज के लोग, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हमारे देश के उसको द्रोणाचार्य बोल रहे हैं लोग, अमित शाह गृह मंत्री को कर्ण बोल रहे हैं और राजनाथ जी को आज धृतराष्ट्र बोल रहे हैं लोग। इसको आप जांचिए, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। और रामायण के हिसाब से, रामायण के अनुसार लोग क्या बोल रहे हैं इन पात्रों को, किसको क्या नाम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी रावण, ब्रिजभूषण मेघनाथ, अमित शाह कुंभकर्ण, हनुमान खा पंचायते, वानर सेना, ये पूरा समाज जो आप खड़े हैं, महिला खिलाड़ी सीता, खिलाड़ियों के पति राम जो ऐसी स्थिति में भी उनका साथ दे रहे हैं, बजरंग पुनिया लक्ष्मण जो साथ खड़े हैं एक भाई की तरह से, और अंधभगत रावण की सेना, और स्मृति ईरानी को लोग स्वरूप नखा बोल रहे हैं समाज में। मेरे लिए तो डूब मरने की बात है, पूरे समाज को डूब मरने की बात है। ये क्या हो रहा है और क्या ये नाम देना पड़ रहा है लोगों को? सर, स्मृति ईरानी जी लोगों का बचना किया। वो महिला एवं विकास बाल मंत्री है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ना ट्वीट आया ना अभी तक कोई भी आश्वासन आया इन खिलाड़ियों के। अरे आश्वासन वो सिलेंडर लिए घूमती थी। स्मृति ईरानी का क्या करेंगे हम? स्मृति ईरानी की तो स्टोरियां लोग बताते हैं, जिक्र करते हैं कैंटीन में, वकील लोग जिक्र करते हैं कि जिस दोस्त ने अपने घर पना दी उसी का हस्बैंड छीन लिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलोगे? ये लोगों का चरित्र है क्या इस देश को चलाने के लिए? निजी जिंदगी की बात हो गई ना, इस पर नहीं आते हैं ना। मैं निजी जिंदगी की, वकील लोग इस तरह से, ये क्या निजी जिंदगी है? आचरण निजी जिंदगी है क्या? प्राइम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का, या मैं एडवोकेट हूँ, मैं जो आचरण करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में वो मेरा निजी नहीं है। मेरा निजी मेरे घर के अंदर है, समाज के अंदर। समाज उसका चरित्र क्या है, उस समाज उसका आचरण का, ये चीजें देख रहे तभी तो ये बातें आ रही है सामने। हमें शर्म आ रही है ये बातों। पूरे आंदोलन को भी राजपूत वर्सेस जाट की तरह से देखा जा रहा है, इस चीज पे आपका क्या कहना है? मेजोरिटी इस तरह से नहीं देख रही। आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी राजपूत वकील सबसे आगे थे, काला बैंड बांधने वाले। काला बैंड अभी भी अपनी जेब में है। अच्छा, आप लोग भी आज जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है उसका समर्थन? कोर्ट में पूरा ब्लैक डे मनाया गया और कोर्ट में लोग इवन कोर्ट के अंदर भी बांध के गए। एक आध जगह तो ऐसा हुआ जज ने पूछा ये क्या बांधे हुए हो, बोले हम खिलाड़ियों के सपोर्ट में बांधे हुए हैं। सर, जब जज इस तरीके के सवाल करते हैं तो कहीं आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी सवाल उठ रहे हैं? इतनी देरी पॉस्को लगने के बाद भी कहीं ना कहीं न्याय ना मिलना? देखिए ये सारा क्या है, न्यायाधीश हो या पॉलिटिकल लोग हो, वो भी खिलाड़ी की तरह होते हैं। कोई खिलाड़ी पॉइंट लेता है वही खिलाड़ी विजयी माना जाता है। वो अपने काम को इस तरह करें तो लोग शाबाशी देते हैं, वो अपने काम को ना कर पाए तो लोगों को बुरा लगता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, एक आरोप लग रहा है खिलाड़ियों पे कि ये जो है एक अखाड़े की एक परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। बेटा क्या परिवार की, फिर तो हम कहें कि एक परिवार है संघ परिवार, फिर तो राजनीति संघ परिवार की हो रही। वो क्या सोचता है वो देश में, वही लागू करोगे क्या? संघ परिवार कहता कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ संविधान इजाजत नहीं देता। संविधान इजाजत देता मानवीय राष्ट्र बनाने की। हम सारे मिलकर 130 करोड़ लोगों का लक्ष्य है मानवीय राष्ट्र बनाने का, ना हिंदू राष्ट्र बनाने का, ना मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, ना सिख राष्ट्र बनाने का। ये सारे इसी के फूल हैं, इस बगिया के। बगिया का असली नाम है मानवीय राष्ट्र। भारत तब मेरा देश महान होगा अगर ये मानवीय राष्ट्र होगा। कोई ये दकियानूसी में कोई धार्मिक ग्रंथ लोगों को गुलाम नहीं बना सकता, कोई धार्मिक एक सिंगल धर्म लोगों को गुलाम नहीं बना सकता। आज मुझे कोई बात गलत लगती है कोई धार्मिक किताब की, वो किताब मेरे माई बाप नहीं है, मैं ठुकरा सकता हूँ उस किताब को जी। किताब लोगों ने लिखी है, लोग बड़े हैं। अगर कल समझदारी की बात अच्छी हो तो वो किताब कमजोर है, उस किताब में ऐड करना पड़ेगा। समर्थन देंगे सर आपके इन खिलाड़ियों को आखिरी दम तक, हर लास्ट तक, जब तक न्याय मिलने की गुंजाइश है सर। 100% मिलेगा न्याय। क्या होता है जब दीवार में कील मारते हैं तो 100वीं कील में छेद होता है, तो 99 कील वो बेकार नहीं होती। ये 99 किले चल रही हैं, 100वीं किल लगेगी, रास्ता खुल जाएगा, किसी की औकात नहीं है।